I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes. Hello everyone, welcome back to my channel Liana's Kingdom. और कैसे हो आप सब, मैं हूँ लियाना। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक और हैंड सैनिटाइजर का वीडियो। आज का जो सैनिटाइजर है वो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ 70% अल्कोहल बेस्ड है, जो हमें सब जगह से बताया जा रहा है, हमें न्यूज़ में बताया जा रहा है, हमें सब जगह यही बोल रहे हैं कि 70% अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए सैनिटाइज़र। तो आज मैं वही लेकर आई हूँ। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो खादी इंडिया का है, जो मैंने केमिस्ट से ख़रीदा था अपने घर के पास ही शॉप से। तो इसलिए मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ, बिकॉज ये 70% अल्कोहल बेस्ड है। तो रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे हिट करना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाए। देखिए, ये मैंने मेडिकल स्टोर से ख़रीदा था अपने घर के पास से, और ये जो हैंड सैनिटाइज़र है ये बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। तो ये खादी इंडिया का है ब्रांड का, और ये ऐसे एक सिंपल सी बॉटल के अंदर आता है। हाँ, ये ना ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो। सेम तो मुझे नहीं दिखाया है, मगर वहाँ पे मैंने देखा था लेमन फ्रेग्रेंस में था, तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है, वहाँ से ले सकते हो। तो ये एक ऐसे सिंपल सी बॉटल के अंदर है, ब्लू कलर का, एक पर्पल कलर का, इसका एक ऊपर कैप है, फ्लिप कैप है, देख लीजिए ऐसा, और काफ़ी अच्छा टाइट भी है, जो ट्रेवल फ्रेंडली है और बहुत कम स्पेस लेगा, पर छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूँ ये कितने का है, तो इसका जो प्राइस है वो है 149 रुपीज़, यानी कि 150 रुपीज़ का है, और इसके अंदर ही इसका वेट है 100 ml का, और 99.99% ये बैक्टीरिया को, जर्म्स को पूरे तरीके से मार देता है, यानी कि जर्म्स इसके अंदर बिल्कुल भी, अगर इसे हम लोग हैंड को क्लीन करते हैं तो नहीं रहते हैं, बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो और इसके अंदर, हाँ, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बताऊंगी कि ये जो है SLS और पैराबेन फ्री है, जो इन लोगों ने यहीं पर ही बता दिया है, और ऑल स्किन टाइप है, कोई भी स्किन टाइप वाले हो इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्किन पे हार्म नहीं करेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा क्वांटिटी इसकी यूज़ करनी मेरे हिसाब से अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जो अल्कोहल है वो रबिंग अल्कोहल नहीं है, दूसरा है। तो जितना मैंने सर्च किया है, वो जो अल्कोहल इसके अंदर जो अभी है वो जो है, ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो हो सकता है स्किन को थोड़ा सा हार्म कर दे। लेकिन अगर इन्होंने कहा है ऑल स्किन टाइप है, सभी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर यहाँ पर स्टीव बकथ्रोन कुछ एक्सट्रैक्ट करके, तो इसके बारे में मैंने जितना पढ़ा था वो ये चीज़ थी कि स्किन के लिए अच्छा रहता है, स्किन को हार्म नहीं करता। तो इसलिए इसमें जो ये वाली चीज़ है ना, ये जो इसके अंदर ऑयल है जो एक्सट्रैक्ट है, तो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मगर फिर भी जितना भी सैनिटाइज़र में ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, 3 या 4 ड्रॉप्स इनफ होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, ये खादी ब्रांड का है, देखो ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑथराइज्ड है, तो इसलिए भी अच्छा लगा था मुझे, ठीक है। और ये नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स पर टेस्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए भी। नेक्स्ट मैं आपको लोगों को बता दूँ, इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 3 ईयर्स की है, 3 साल तक की है, बहुत अच्छी है। और मैं आपको बता दूँ, सैनिटाइज़र यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्राई करो कि हैंड वॉश आप लोग सोप के साथ ही करो, तो ज़्यादा बेस्ट है। ये आपके लिए एक वहाँ पर ऑप्शन है, जैसे आप लोग कहीं बाहर गए हो और वहाँ पर आपको सोप अवेलेबल नहीं है, तो आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना मस्ट है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, अभी बाहर कोई ज़्यादा दूर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर ATM यूज़ करते हैं, हम लोग ATM पे जाते हैं और वो मशीन जो होती है ATM की, उसे यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि पता नहीं किन किन लोगों ने उस मशीन पे अपना हाथ टच किया हुआ है, क्योंकि वहाँ से मोस्टली लोग पैसे निकालने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर, तो हो सकता है आपको वहाँ से बैक्टीरिया ट्रांसफ़र ना हो जाए, वायरस ट्रांसफ़र ना हो जाए। इसलिए प्लीज़ आप जब भी जाओ तो सैनिटाइज़र अपने साथ लेके जाओ, सैनिटाइज़ कर लो अपने हैंड को, घर पे आके जाओ तो आप लोग हैंड वॉश भी कर सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग सैनिटाइज़ ज़रूर कीजिए, अपने घर का ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। ये सैनिटाइज़र का रिव्यू मैंने इसीलिए आपके साथ किया, क्योंकि इसके अंदर 70% अल्कोहल बेस्ड है, जो होना चाहिए, यह हमें गवर्नमेंट भी बोल रही है, हमें एड्स में भी बताया जा रहा है, और एक अच्छा सैनिटाइज़र 70% अल्कोहल बेस्ड ही होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और भी अच्छे अच्छे सैनिटाइजर्स के रिव्यू मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी, लेकिन अगर आपको ये अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ये लेना है तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। ये आई थिंक अमेजोन पर अवेलेबल है, दूसरे इसके लेमन वाला, आई थिंक मैंने लेमन वाला देखा था, और भी होगा तो मैं आप लोगों को दे दूंगी लिंक, आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप फेसबुक पे, चैनल को कर देना सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्लीज़ ऑल पे हिट करना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाए। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा सैनिटाइज़र अच्छा लगा है, मैंने 3 सैनिटाइज़र के रिव्यू अभी तक दे दिए, आपको कौन सा अच्छा लगा, अगर आपने लिया है तो मेरे साथ अपने आप लोग कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो, ठीक है। नई वीडियो मिलोगी बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय।